या फिर जो उनके अभिषेक बोनापल्ली इन लोगों से उनके खास थे और उन्होंने जो भी आरोप लगाए थे, और जब ये पूरी एक्साइज पॉलिसी की डील फाइनल हुई थी तो 100 करोड़ रुपए जो दिए गए थे उनका इस्तेमाल जो है वो गोवा और पंजाब चुनाव में किया गया था, और किस तरीके से 6% का जो मार्जिन है वो तय किया गया था, और जो भी बयान जो चाहो आसन से जुड़ी कविता के उन्होंने ईडी के सामने दी है, तो उसका उसके ऊपर जो है जवाब के कविता से जानना चाहेगी ईडी। और कई बार पूछताछ हो भी चुकी है, लेकिन जो जवाब दिए हैं के कविता ने उससे ईडी संतुष्ट नहीं है, और इसीलिए कस्टडी जो कस्टोडियल इंट्रोवेशन के लिए के कविता को गिरफ्तार किया गया है। और अब के कविता से पूछताछ के बाद जो है इस पूरे मामले में अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी जो है वो ईडी की जो है गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को आज कोई राहत नहीं मिली है, और अब कल उन्हें व्यक्तिगत तौर पे पेश होना है। अगर वो कल नहीं आते हैं, जिसकी संभावना काफी जताई जा रही है, उसके वकील जो है थोड़ा वक्त और जो है वो मांगने की कोशिश करेंगे, और साथ में उसकी अदालत जाने का विकल्प भी अरविंद केजरीवाल के पास है। तो आने वाले दिनों में अब जो दोबारा से जो आपका घोटाला था दिल्ली सरकार का, उसका जो है वो निश्चित रूप से प्रमोद मुश्किलें तो बढ़ती हुई नजर ही आ रही है, क्योंकि सेशंस कोर्ट से किसी प्रकार की रियायत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली। एक बार फिर से मजिस्ट्रेट कोर्ट का ही उन्हें रुख करना पड़ेगा। दूसरी तरफ के कविता की गिरफ्तारी भी मुश्किलें बढ़ा सकती है अरविंद केजरीवाल की। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर ईडी दफ्तर लेकर ईडी पहुंच चुकी है के कविता को, और आज रात ईडी दफ्तर में ही के कविता को रखा जाएगा। ईडी दफ्तर में रखने के बाद में उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, हैदराबाद से गिरफ्तारी के बाद में के कविता को दिल्ली ले आया गया है, और आज रात ईडी दफ्तर में ही उन्हें रखा जाएगा। सुबह उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, और निश्चित रूप से ईडी कस्टडी की मांग करेगी, जिस दौरान पूछताछ के कविता से की जाएगी। पिल्लई के कबूलनामे के बाद इनके मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। प्रमोद, अगर हम बात करें के कविता के रुख की, तो दिल्ली पहुंचने के बाद कैसा रुख दिखाई दिया है के कविता का? एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप ईडी दफ्तर के बाहर की देख रहे हैं। दिल्ली में ईडी दफ्तर के बाहर के कविता को लेकर आया गया है, और अब रात भर उन्हें ईडी दफ्तर में ही रखा जाएगा। सुबह उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, और यहां से ईडी की टीम उनकी कस्टडी की मांग करेगी, पूछताछ किया जाएगा। पूरा मामला एक बार फिर से आपको बताया, दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर है, जिसमें के कविता की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद में अब पीएमएलए के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है, और पूछताछ के लिए ईडी उन्हें दिल्ली लेकर आ चुकी है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, के कविता को ईडी दफ्तर लेकर ईडी की टीम पहुंच चुकी है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, और ईडी की टीम के साथ में पीछे की सीट पर बैठी हुई के कविता नजर आ रही हैं। उनका रुख बेहद ही स्पष्ट है, उनके चेहरे पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, उनके चेहरे पर साफ लिखा हुआ है उन्होंने कोई भी जुर्म या उनकी कोई गलती नहीं है। अभी तक उनका यही रुख रहा है ईडी की तरफ से, जब जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है उन्होंने बीजेपी यानी कि केंद्र सरकार पर ही हमला बोला है, और उसके बाद आज भी यही उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है कि किसी प्रकार की उनकी गलती नहीं है। हालांकि पिल्लई के कबूलनामे के बाद में ईडी लगातार पूछताछ कर रही थी, और